मौत का कारण है हम लोग कहीं साइड पे काम कर रहे हैं, सुनने के बाद हम लोग वहाँ आए हैं और देखने के बाद ऐसा पता लगा है कि वो लोग बाइक से जो है रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे थे और वहाँ के आर्ज गिर्द रहने वाले लोग बताए कि है रेलवे क्रॉसिंग में जब बाइक चढ़ी है तो ऑटोमेटिक बाइक बंद हो गई है और चारों लोग उसके सवार थे। इतने में वो ट्रेन का डिब्बा जो है आया है वो इसका इंजन वो मार दिया धड़ाक से, वो लोग जो है दाएं बाएं कितर कितर हो गए, तीन लोगों की डेथ वहीं हो गई और बाकी एक बच्चा जो बड़ा वाला उनका लड़का था उसको हम लोग लाए यहाँ मंडलीय दर्शन नगर जीत में, वो दर्शन नगर हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई है। ये करते क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये किसान थे, इनका घर है ग्राम सभा रामपुर कुआरी में, माझा में इनका घर पड़ता है। थाना कौन सा है? थाना महाराजगंज है। वहाँ रिश्तेदारी से घर वापस लौट रहे थे। अच्छा, क्या बजे घटना है ये? 9:30 बजे। और जगह का नाम क्या है जहाँ घटना हुई है? दुर्गापुरम पुरवा, जहाँ दुर्घटना हुई वहाँ का ग्राम सभा का नाम है दुर्गापुरम पुरवा। क्या नाम आपका है? राम कुमार निषाद, मैं बोल रहा हूँ। वो हमारे बड़े दादा के लड़के थे, परिवार में चार भाई थे और ऐसे परिवार में तमाम लोग हैं, हम भी परिवार से हैं। हमारे बड़े दादा के लड़के थे जिसकी डेथ हुई है, वो उनका नाम श्री रामचंद्र निषाद था। अच्छा, जो जिसकी मृत्यु हुई नाम बता सकते हैं कौन लोग थे? हाँ, वो हमारे बड़े बता तो रहे हैं कि वो हमारे बड़े दादा के लड़के थे। क्या नाम था? उनका नाम रामचंद्र निषाद था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम श्री भैरव निषाद था। उम्र कितनी थी? जिसकी डेथ हुई है हाँ। उसकी उम्र लगभग 45 या 50 साल के इर्द गिर्द थी। पत्नी का नाम था? पत्नी का नाम हमको मालूम नहीं, मेरी भाभी लड़की का नाम क्या था? बच्ची नहीं मरी है, एक दो। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम नखड़ू नखड़ू करके बुलाते थे और वैसा दूसरा कोई नाम मालूम नहीं है। क्या नाम था भाई, किसी को मालूम है बताओ? महाराजगंज थाना क्षेत्र में आज लगभग 10 बजे जो दुर्गापुर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ से सिर्फ बाइक वाले और ट्रैक्टर ही यहाँ से पार होते हैं, पुलिस को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर ट्रेन से एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कई लोग घायल हैं। मौके पर आकर देखा गया तो रामचंद्र निषाद रामपुर माझा के रहने वाले और उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे घायल अवस्था में यहाँ पड़े हुए थे। पुलिस ने तत्काल जो घायल बच्चा था उसको अस्पताल भिजवाया और मौके पर ही प्रथम दृष्टया देखने में तीन लोग मृत प्रतीत हो रहे थे, उनको भी अस्पताल भिजवाया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और जो लड़का अस्पताल में भर्ती था, थोड़ी देर बाद उसकी भी सूचना आई कि उसका भी देहांत हो गया है। पंचायतनामा भरकर अगली कार्रवाई की जा रही है, साथ संकलन और जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर इसको संपादित किया जाएगा।